नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में हम सबके मध्य उपस्थित मध्य प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर जी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह जी, हिमाचल, गुजरात, असम, बिहार, कर्नाटक, गोवा राज्य से उपस्थित माननीय मंत्रीगण, चेयरमैन नाबार्ड, सचिव कृषि और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे भारत सरकार के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री रूपाला जी, माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब और राज्यों में जुड़े हुए सभी कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी बंधु, आज आप सबको एक विशेष प्रयोजन के लिए तकलीफ दी है और मुझे लगता है कि आज की बैठक आप सबकी उपस्थिति से बहुत ही इस अभियान को गति देने में सार्थक होगी। मैं सभी मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगणों का मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात पर बल देते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में समृद्धि आना चाहिए, कृषक की आमदनी 2022 तक दोगुनी होनी चाहिए, कृषि क्षेत्र में जो कानूनी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर करना चाहिए और इस दिशा में लगातार एक के बाद एक कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि उन सारे प्रयत्नों में राज्य सरकारों ने जुड़कर बहुत अच्छा काम किया है और उसके परिणाम भी आज स्थान स्थान पर परिलक्षित हो रहे हैं। पिछले दिनों आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जो गैप्स हैं उनको ठीक प्रकार से भरा जा सके, किसान की आमदनी बढ़ाई जा सके, कृषि अवसंरचना खड़ी हो सके और किसान की लागत कम हो सके, इस दृष्टि से कृषि अवसंरचना के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया। ऐसे ही साथ में चाहे फिशरीज हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, हर्बल खेती हो, मधुमक्खी पालन हो, इन सब आयामों को गति देने की दृष्टि से पैकेज में प्रावधान अलग अलग किया गया है, लेकिन विशेष रूप से आज हम कृषि अवसंरचना जो कोष है उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित आए हैं। हम सब अनुभव करते हैं कि एक लंबे कालखंड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर कृषि के क्षेत्र में काफी निवेश किया है, योजनाओं के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और जहां जहां सब्सिडी की आवश्यकता है वहां भारी भरकम सब्सिडी भी दी जा रही है और उसका परिणाम है कि निश्चित रूप से खाद्यान्न के क्षेत्र में कृषि हितैषी नीतियां और किसानों के परिश्रम ने बड़ी सफलता अर्जित की है। इसके लिए हमारे किसान और राज्य सरकारें निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र हैं, लेकिन अभी इतने लंबे समय में ये अनुभव आया है कि कृषि क्षेत्र में सरकार का निवेश तो हुआ है और योजनाओं के माध्यम से
परिसंपत्तियां और बहुत सारे उपकरण इनकी भी उपलब्धता किसानों को हुई है, लेकिन जो निजी निवेश है वो निजी निवेश गांव तक और खेत तक नहीं पहुंचा। और जब तक ये निजी निवेश नीचे नहीं पहुंचेगा तब तक कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना संभव नहीं होगा। ऐसा आप सब लोगों को भी ध्यान में आता होगा और हम लोग भी इस दिशा में सोचते हैं, और इसलिए ये 1,00,000 करोड़ का जो कृषि अधोसंरचना के लिए कोष की व्यवस्था की गई है यह इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पहले इतने बड़े कोष की न तो प्रावधान हुआ और ना ही इतनी सरलता से और बल देकर उसका क्रियान्वयन हो सके, यह भी संभव नहीं हुआ। आप सब लोग भी इस बात को अनुभव करते हैं कि अगर हम देश भर में कृषि अधोसंरचना की दृष्टि से विचार करते हैं तो चाहे वो वेयर हाउसिंग के बारे में विचार करें, चाहे कोल्ड स्टोरेज के बारे में विचार करें, तो हम देखते हैं कि जितनी आवश्यकता हमको वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की है उतनी उपलब्धता देश के पास है। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कोल्ड स्टोरेज है और वेयर हाउस है, उसके बावजूद भी हमारा कृषि उत्पाद जो है प्रतिकूल मौसम में सड़ जाता है, भीग जाता है, उसको ज्यादा समय तक नहीं रोक पाते हैं किसान, तो दाम सस्ते हो जाते हैं, सड़क पर फेंकने की जरूरत पड़ती है। इसमें ध्यान में आता है कि ये एक बड़ा असंतुलन कृषि के क्षेत्र में है। तो मैं समझता हूँ कि ये आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ का जो निवेश है ये इस असंतुलन को संतुलन में बदलने में बहुत ज्यादा मददगार होगा आने वाले कल में। और इसलिए आप सब ने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने 8 जुलाई को इस फंड का निर्णय और मंजूरी 8 जुलाई को मंत्रिपरिषद ने प्रदान की और मंत्रालय ने 1 महीने के भीतर सारी कार्रवाइयां पूरी करके 9 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी ने 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया पीएम किसान के अंतर्गत उनके खातों में ट्रांसफर किया, उसी दिन आप सब ने देखा होगा कि इस पैकेज के अंतर्गत 2282 पैक्स को 1,128 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। 1 महीने के अंदर पूरी परियोजना बनना और बैंक से पैसा उपलब्ध होना यह अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है। आम तौर पर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, बैंक से चर्चा करना, बैंक से लोन दिलवाना यह हम सब लोगों को निश्चित रूप से कठिन लगता है, लेकिन ये इस 1,00,000 करोड़ के पैकेज को धरती पर उतारने के लिए सारी बैंक्स तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश हैं और मंत्रालय ने भी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और IDBI के साथ MOU कर लिया है। बैंक पलक पावड़े बिछाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करके 1,00,000 करोड़ रुपया धरती पर लगे और किसानों के माली हालत सुधारने में काम आए, कृषि की ग्रोथ बढ़ाने में काम आए, इस दृष्टि से पूरी तरह तैयार और तत्पर हैं। मैं इस अवसर पर आप सब को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब राज्य सरकारें इस दिशा में थोड़ी और चिंता करें, इस पैकेज को ठीक प्रकार से हम अपने राज्य में क्रियान्वित कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकारों को एक सेमिनार आयोजित करना चाहिए, उसमें एग्रीकल्चर के लोग भी रहें, सहकारिता के लोग भी रहें, कुछ प्रोफेशनल भी रहें, वहाँ जो नाबार्ड के लोग हैं वो भी रहें, बैंकर्स को भी हम बुलाएं और हमको इसमें चर्चा करके इस पूरे कार्यक्रम को गति देने की आज आवश्यकता है। और दूसरा, हमको सर्वेक्षण भी कराना चाहिए कि गैप्स कहाँ है। अगर गांव तक इस अवसंरचना फंड का लाभ नहीं पहुंचेगा तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिला स्तर पर बड़े स्थानों पर तो बहुत सारी अवसंरचनाएं बनी हुई हैं और उनके अपने अपने हेतु हैं और उसके कारण भी निश्चित रूप से रोजगार
और फायदा मिलता ही है। लेकिन अब जो नए रिफॉर्म हुए हैं, कानूनी बदलाव हुआ है, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, अब किसान को ये फैसिलिटीज हमें उपलब्ध गांव में इसलिए कराना है कि किसान अपने उत्पाद को जब तक चाहे वो रोक सके, रख सके, जब उसको वाजिब दाम मिले तब वो बेच सके। अगर ये फैसिलिटीज गांव तक नहीं होगी तो निश्चित रूप से इन एक्ट का क्रियान्वयन करना भी थोड़ा सा कठिन होगा। और आपने देखा है कि फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उससे भी किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। हम सब देश भर में किसानी के क्षेत्र में आज इस बात की परेशानी महसूस करते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फसलों का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, खाद्यान्न में हम अधिशेष हो गए हैं, खाद्यान्न की उत्पादन में पानी का व्यय भी ज्यादा होता है, केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज ज्यादा हो रहा है, तो इन सब चीजों को कैसे कम करें। तो इसलिए फसलों के डाइवर्सिफिकेशन पर हम जोर देते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विषय नीचे जमीन तक उतरेगा और क्लस्टर खेती होगी और निजी निवेश जो है खेत तक बढ़ेगा तो निश्चित रूप से फसलों का डाइवर्सिफिकेशन करने में हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत मदद मिलेगी। एफपीओ का कार्यक्रम भी किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने वाला है। देश भर में 10,000 नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया है और इसके लिए 6,885 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और एफपीओ का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो यह इसलिए भी जरूरी है कि हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि देश में 85% किसान छोटे और मझोले हैं। और सबके अनुभव में यह आता है कि जो छोटा किसान है, 1 हेक्टेयर तक की खेती करता है, 2 हेक्टेयर तक की खेती करता है, उससे छोटी जोत वाला भी किसान है, उसको अगर हम देखते हैं तो उसको एमएसपी का भी लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उसके उत्पादन का वॉल्यूम इतना कम होता है कि वो सब भाड़ा वाड़ा लगा के ले जाने लाने में उसको एमएसपी पर बेचने में भी फायदा नहीं होता। और एक दिन अगर नहीं लिया और उसे वापस ले जाना पड़ा तो भी उसके सामने दिक्कत खड़ी होती है। और इसलिए छोटे किसान का रकबा कैसे बढ़े, छोटा किसान के उत्पादन का वॉल्यूम कैसे बढ़े और उसकी विक्रय करने की ताकत कैसे बढ़े, इस दृष्टि से एफपीओ का बड़ा योगदान हो सकता है। ये छोटे छोटे किसानों का अगर एफपीओ में जुड़ जाना तो निश्चित रूप से वो जो भी उत्पादन में सामग्री लगती है, चाहे वो खाद हो, बीज हो, दवाइयां हो, ये सारी की सारी उसको थोक दाम पर मिलेंगी। इकट्ठी खरीद करेगा तो लागत कम आएगी, वो इरिगेशन का सिस्टम भी एकीकृत बना सकता है, उस पर भी वो जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन के लिए, सूक्ष्म सिंचाई के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है अभी वो लाभ नहीं ले पाता है, लेकिन ग्रुप में जब खेती करेगा तो उसका लाभ और वो सब्सिडी भी किसान को मिल सकती है, एफपीओ को मिल सकती है, जिससे वो पानी की बचत कर सकता है, केमिकल फर्टिलाइजर की बचत कर सकता है, दवाइयों की बचत कर सकता है, सिंचाई की बचत कर सकता है, बिजली की बचत कर सकता है, इससे उसकी लागत में निश्चित रूप से कमी आएगी। और जब वो एक ही प्रकार की सब लोग मिलकर खेती करेंगे, एक ही प्रकार का बीज होगा, एक ही प्रकार का उत्पादन होगा, एक ही प्रकार की क्वालिटी होगी, तो वो वैश्विक मानदंडों के अनुसार भी खेती करेंगे तो निश्चित रूप से उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल पाएगा। एफपीओ आत्मनिर्भर बन सके इस दिशा में सरकार फंडिंग भी करने वाली है और एफपीओ को मार्गदर्शन करने के लिए, उनका बुआई से लेकर उनके उत्पाद का ट्रेड करने के लिए तक के लिए सीबीओ की व्यवस्था की गई है, ये सीबीओ उसको मदद करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जब एफपीओ का पूरा संसार खड़ा होगा तो कृषि के क्षेत्र में ये 1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर फंड, एफपीओ का बनना और उनका क्रियान्वयन होना, यह खेती के क्षेत्र में निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। तो मैं इस अवसर पर आप सबको यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब अपने अपने राज्यों में इन दोनों योजनाओं का ठीक प्रकार से अमल हो जाए, इस बात की चिंता करेंगे तो राज्यों के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज आप सब लोगों को इस अवसर पर हम लोगों ने
तकलीफ दी है। इसके बाद एक प्रेजेंटेशन होगा और उस प्रेजेंटेशन के बाद आप सब लोग अपना विचार रख सकते हैं। आपके विचार में कोई सुझाव होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। आप सबका इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और मैं आग्रह करूंगा विवेक जी से कि वो प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। जो स्टेप्स अभी लिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो यह है कि हम किसानों को उद्यमी बनाएं, किसान एंटरप्रेन्योर बने। हमारा जो देश है वो पूरे वर्ल्ड के लिए फूड बास्केट बने और हम कृषि को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में रखें, जो सिर्फ हम पहले इंडस्ट्री की बात करते थे, अब हम कृषि को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देश के इन्वेस्टर्स के लिए आई एम सॉरी सर, वो बीच में कनेक्शन चला गया था। मैं दोबारा से प्रारंभ कर रहा हूँ सर, स्लाइड लगा दूँ। इसके लिए सर जो नए कदम भारत सरकार ने लिए हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 10,000 एफपीओ नए बनाने की योजना है, हमारे किसानों को शॉर्ट टर्म क्रेडिट उपलब्ध हो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार पूरे देश भर में किया गया है और सबसे बड़ा जो अब नया कदम लिया गया है वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को स्थापित करके कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स की स्थापना करना और नए निवेश को लेके आना जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आ सके, उसके लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई है। इसके अलावा डिजिटल एग्रीकल्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं और साथ में जो क्लस्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है जिसमें निर्यात के क्लस्टर बनाना और ऑर्गेनिक के क्लस्टर बनाना, इन सबको इस पूरी परियोजना में सम्मिलित किया गया है। तो ओवरऑल जो पूरा प्रयोजन है वो ये है कि हम आत्मनिर्भर कृषि का जो पूरा पैकेज है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उसके सभी पहलुओं को लाएं। यहाँ पे कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वो की गई है और उस नीति को सपोर्ट करने के लिए जो फाइनेंशियल बेसिस देना है, जो बजटरी सपोर्ट करना है, वो भी भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लेकर आके उसको किया है। नेक्स्ट। तो जो ये विजन है इसमें जैसे मैंने कहा एग्री इंफ्रा फंड की स्थापना हुई है जो 1,00,000 करोड़ की है, मार्केट के रिफॉर्म्स किए गए हैं और पीएम किसान और केसीसी के माध्यम से पैसा सीधा किसानों के हाथों में दिया गया है। जैसा कि अभी बताया गया करीब 1,00,000 करोड़ रुपया सिर्फ केसीसी में नया क्रेडिट दिया गया है किसानों को, जो करीब 1,20,00,000 किसान नए जुड़े हैं वो ऐसे किसान थे जो छोटे किसान थे और जो पहले केसीसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे परंतु वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डेटाबेस में आने से उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनको केसीसी का लाभ हमने दिया है। नेक्स्ट। जो सर आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसपे हम आज चर्चा करना चाह रहे हैं वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसको स्थापना करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी फसलें, क्योंकि हमारे पास अवसंरचना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसकी वजह से नुकसान होता है, किसान को पूरी कीमत नहीं मिल पाती है,
किसान की बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं रहती है, वो सब चीजें किसान को उपलब्ध हो, जो बिचौलिए हैं उनके ऊपर निर्भरता किसान की खत्म हो। और अभी तक जो भी हमारी फाइनेंसिंग अवेलेबल थी, जो भी फंड अवेलेबल थे, वो शॉर्ट टर्म फंडिंग अवेलेबल थी पूरे देश भर में, जो हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते थे। अब उसका लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंडिंग का प्रावधान इस फंड के माध्यम से किया गया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लैंडिंग सिर्फ इनपुट की खरीदी में और किसान को खेती में सुविधा तो देता था, पर इस प्रकार के निवेश उसमें नहीं आते थे जिसका लंबे समय तक खेती में और किसान को फायदा हो। तो लंबे समय के लिए जो निवेश आना है उसका इस फंड के माध्यम से उपलब्धता हो पाएगी। और इसमें सबसे जो नया पहलू है सर, वो ये कि जो स्टार्टअप्स हैं और जो छोटे उद्यमी हैं, उनको भी खेती के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। जो नई टेक्नोलॉजी है वो आ पाएगी, और जो हमारा पूरा वैल्यू चेन है किसान से लेके जो कंज्यूमर तक, जो हमारी किसान की प्रोडक्ट है उसको ले जाने के लिए एक पूरी वैल्यू चेन हम अच्छे से बना पाएंगे। ये विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो एग्री इंफ्रा फंड से फाइनेंस हो सकते हैं। इसमें कोल्ड चेन है, कोल्ड स्टोरेज है, रेफ्रिजरेटेड वैन है। अगर कोई ऑर्गेनिक का क्लस्टर है तो ऑर्गेनिक के इनपुट्स जो पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मेन्योर का प्रोडक्शन है, बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्शन का अगर कोई प्रयोजन है तो वो इसमें स्वीकृत होकर फाइनेंस हो सकता है। इंटीग्रेटेड पैक हाउसेस जिसमें सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग की सुविधा हो, जैसे अगर कहीं संतरे की खेती होती है तो वैक्सिंग प्लांट लग सकता है, केले की जहाँ खेती होती है वहाँ राइपनिंग चेंबर्स लग सकते हैं। इस प्रकार से जो एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस है ताकि किसान की जो उपज है वो ढंग से ग्रेड होके पैक होके फिर बिक्री के लिए जाए, जिससे उसकी पूरी कीमत उसको मिल पाए। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स से किसान की जो खेती है उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को हम सुधार सकते हैं। ड्रोन की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो छिड़काव है वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो नहीं आई है इस क्षेत्र में उसको फाइनेंस करने के लिए इस फंड का उपयोग हो सकता है। जो बड़े होलसेलर्स हैं या बड़े रिटेलर्स हैं, अगर वो अपना फ्रेंचाइजी बना के परचेज सेंटर बनाना चाहते हैं, वो गांव-गांव में या क्लस्टर बना के उसमें अपना परचेज सेंटर या प्री कूलिंग चैम्बर लगा के खरीदी की व्यवस्था करना चाहते हैं, वो इस प्रोजेक्ट में फंडिंग हो सकती है। अभी तक हम कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाते थे, कस्टम हायरिंग सेंटर में सब्सिडी तो अवेलेबल थी पर लोन कॉम्पोनेंट पे पूरा ब्याज लगता था। और बड़े कस्टम हायरिंग सेंटर्स को अगर हम बनाना चाहते हैं जिसमें हर प्रकार की मॉडर्न मशीनरी लाना चाहते हैं, उसमें निवेश बड़ा होता है, उसका भी जो लोन कॉम्पोनेंट है, जो सब्सिडी कॉम्पोनेंट है, वो एज इट इज जो योजना है वर्तमान में उससे आएगा। पर जो लोन कॉम्पोनेंट है उसपे जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, इंटरेस्ट की सब्सिडी है, वो एग्री इंफ्रा फंड की स्कीम के माध्यम से मिल सकती है। और इसके अलावा जो गांव-गांव में छोटे यार्ड बनाने हैं, खरीदी केंद्र जहां पे चलते हैं, उन खरीदी केंद्रों पे अगर वेयरहाउस की व्यवस्था है या प्लेटफॉर्म बनना है या वहां पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग की व्यवस्था करनी है, तो वो भी अरेंजमेंट इस फंड के माध्यम से हो सकता है। किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसानों की मिलके कोई असेट क्रिएट करता है, उनकी पूंजी निवेश कराता है, या जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के काम आता है, वो सारा हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस फंड के माध्यम से फंडिंग उसकी हो सकती है। नेक्स्ट सर, इसका जो टोटल साइज है वो 1,00,000 करोड़ है, जो अभी पहले किस्त में हमें मिला है। इंटरेस्ट सबवेंशन हम 3% प्रतिवर्ष के दर पर दे रहे हैं, और इसे दिए 2 करोड़ तक के लोन तक है। लोन ज्यादा भी हो सकता है पर इंटरेस्ट सबवेंशन 2 करोड़ तक सीमित रहेगी। और इसमें जो नबार्ड का, जैसे चेयरमैन नबार्ड ने बताया था, नबार्ड की रीफाइनेंस फैसिलिटी है जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटीज के लिए, बैंक्स के लिए है, उसमें जो वास्तविक ऋण है वो केवल 1% पे ही अवेलेबल है, क्योंकि उसमें 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। जो बाकी बैंकों से ऋण मिलेगा उसका भी हमने बैंकों से एग्रीमेंट साइन करके उनका लेंडिंग रेट पे सीमा लगा दी है, तो वो 1% MCLR से ऊपर से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो अभी वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का MCLR करीब 6.9% है, उसका मतलब इस फैसिलिटी से अगर वो लोन लिया जाएगा तो 5% प्रतिवर्ष से कम दर पे की ब्याज दर पे ये लोन उपलब्ध रहेगा। ये जो सुविधा है इंटरेस्ट सबवेंशन की 7 साल तक है, और इसमें किसान स्वयं लोन लेके अपनी असेट्स क्रिएट कर सकते हैं, FPOs बन सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किसानों के ले सकते हैं,
ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटी, जो हमारी मार्केटिंग सोसाइटीज है मार्केट से जुड़ी हुई, वो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग ले सकती है। जो इंडिविजुअल उद्यमी है, एग्री एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप है, या कोई अगर राज्य शासन की किसी एजेंसी या किसी लोकल बॉडी की एजेंसी ने कोई पीपीपी प्रोजेक्ट किया है इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसकी फंडिंग भी इस फंड के माध्यम से हो सकती है। इस फंड में 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी की सुविधा भी है। तो अगर कोई उद्यमी क्रेडिट ले रहा है तो 2 करोड़ तक उसको किसी प्रकार की गारंटी या कोई अपनी भूमि या अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। और इस पूरे सिस्टम को हमने लैंडिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है, एक पोर्टल बना दिया है, उसपे जैसे ही आवेदन आएगा तो बैंकों से लोन स्वीकृत कराने की जिम्मेवारी हमारी है, और बैंकों से जो हमने एग्रीमेंट किया उनको 60 दिन के अंदर इस लोन की स्वीकृति देनी है, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बतानी है जिसका हम निदान करेंगे ताकि लोन समय पे हो जाए और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है वो तुरंत वहां पे शुरू हो। नेक्स्ट। फिर इसमें संभावना बहुत बड़ी है, अगर हम जो स्टेट्स आज आई हैं, उत्तर प्रदेश आज ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको अलग से लेंगे तो उत्तर प्रदेश को छोड़ के भी जो बाकी प्रदेश आज उसमें करीब 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इस स्कीम के अंतर्गत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में हम 10 से 12 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बिहार में 9 हजार करोड़ तक के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तमिलनाडु में 8500 करोड़ के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, गुजरात में 7-8 हजार करोड़ तक जा सकते हैं, कर्नाटका में 6,000+ करोड़ के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हरियाणा में 6,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हम फंड कर सकते हैं, असम में इसी प्रकार 2,500 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हम फंड कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा। तो इसमें फंड बहुत बड़ा अवेलेबिलिटी है, जिसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो राज्य पहले पहल कर लेगा वो ज्यादा फायदा ले लेगा, और जो राज्य पिछड़ जाएंगे उनका फिर उतना फंड हाथ से निकल जाएगा। जो पूरी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है वो ये है कि ये सारी जो योजनाएं हैं अगर ये 31 मार्च से पहले हमारी बैंकों में चली जाती हैं और हम स्वीकृत करवा लेते हैं बैंकों से, तो अगले 1-1.5 साल में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर धरातल पे उतर सकता है। और इसका फायदा भी तभी होगा जब हम ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 2022 से पहले या 2022 तक हम किसानों को उपलब्ध करा सकें, और उसके लिए राज्यों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो मैं आगे चल के बताता हूँ जो हमारा निवेदन राज्य सरकारों से है। नेक्स्ट। इसी प्रकार जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अगर स्मार्ट एग्रीकल्चर को लें तो इसमें हमने जो पीएम कुसुम योजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की है, जिसमें सोलर पैनल्स लग रहे हैं पंप्स लगाने की, एग्रीकल्चर पंप्स लगाने की, उसकी सब्सिडी उनके यहाँ से आ रही है, पर जो लोन कंपोनेंट है वो एग्री इंफ्रा फंड से कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के माध्यम से जो जो कंपोनेंट है उससे आ जाएगा। इसी प्रकार कोल्ड स्टोरेजेस, छोटे साइलोज, क्योंकि बड़े साइलोज में तो एक क्लस्टर में हम डेवलपमेंट करते हैं, पर छोटे साइलोज दोनों तीन तीन गाँव के बीच में लग सकते हैं, जिससे किसान को सुविधा मिल सकती है कि वो अपना स्टोर अनाज का कर ले अपने खेत के पास में, जब अच्छा समय हो तो उसको बेचे। इसी प्रकार यहाँ पे प्याज की खेती होती है, वहां पे प्याज के जो गोडाउन है उनका निर्माण होना हो सकता है। इस योजना की बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लेके इसका लाभ उसके ऊपर ले सकते हैं। तो अगर कोई राज्य सरकार की योजना है या केंद्र सरकार की योजना है जिसमें कोई सब्सिडी अवेलेबल है वो सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं, और एग्री इंफ्रा फंड के अंतर्गत जो अवेलेबल सब्सिडी है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, उसका लाभ भी ले सकते हैं। तो दोहरा फायदा लेने से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसका वायबिलिटी अच्छा हो जाएगा, और जो लोन लेके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं उनके लिए ये अच्छी सुविधा तेजी से बन जाएगी। नेक्स्ट। इसमें जैसे मैंने कहा जो डिफरेंट तरह के बेनिफिशरीज हैं वो इसमें ले सकते हैं, ये फार्मर, एफपीओस, पैक्स, मार्केटिंग सोसाइटीज, एग्री एंटरप्रेन्योर्स और सभी प्रकार के पीपीपी प्रोजेक्ट्स इसके अंतर्गत हैं। जैसे अगर किसी मंडी के अंदर कोई कॉपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम खरीदी केंद्र स्टैब्लिश करना चाहते हैं या वेयर हाउस बनाना चाहते हैं या ग्रेडिंग सॉर्टिंग हाउस बनाना चाहते हैं तो पीपीपी के माध्यम से उसको आप सैंक्शन कर दें और इस फंडिंग का फायदा उससे ले सकते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा कि ये टॉप अप स्कीम है, अगर कोई राज्य का विजन है
उस राज्य के विजन के ऊपर इस योजना को आप लेके उस विजन को आप पूरा कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने अभी अपना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का विजन बनाया है, उस विजन में जितना भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी पे इन्वेस्टमेंट है या जो कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स पे इन्वेस्टमेंट है, वो आप इस फंड के माध्यम से रूट करके वो आप इन्वेस्टमेंट गांव तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार बिहार में अभी एग्रीकल्चर का रोड मैप उन्होंने बनाया है, उसमें हमारी चर्चा बिहार से हुई थी, उसमें भी इसको टॉपअप की तरह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने अपनी योजना बनाई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसी प्रकार हर राज्य की अपनी विजन है। हरियाणा ने बहुत अच्छा विजन अपना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का बनाया है। जो भी आपकी विजन है, जो लोकल आपने स्टेट में विजन डिसाइड किया, उसमें आप एग्री इंफ्रा फंड को फिटिंग करके इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। भारत सरकार की भी जितनी योजना है, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अगर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने योजना बनाई है जिसमें सब्सिडी का एलिमेंट है, तो वो वहां से लेके इंटरेस्ट सबवेंशन का एलिमेंट आप एग्री इंफ्रा फंड योजना से ले सकते हैं। MIDH और हॉर्टिकल्चर की योजनाएं हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की योजनाएं हैं, इसी तरह पीएम कुसुम की योजना मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की है, और भी अन्य जो योजनाएं हैं जिसमें किसी प्रकार की सब्सिडी अवेलेबल है उसके ऊपर आप टॉपअप सब्सिडी इस योजना से ले सकते हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर राज्य ने कोई मल्टीलेटरल एजेंसी से लोन लेना हो, जैसे मध्य प्रदेश वर्ल्ड बैंक से बात कर रहा है कि चंबल क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए भी लोन की आवश्यकता है, या और भी हम संस्थाओं से यहाँ से भी टाई अप कर लेंगे, वो लोन की व्यवस्था भी जो सस्ता लोन लेके हम सब्सिडी का एलिमेंट बिल्डिंग करके हम जिन एरियाज को फोकस करना चाहते हैं उन एरियाज को फोकस करके हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और जो लोन का कॉम्पोनेंट है वो हम इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट जो बैंकों के माध्यम से है वो हम इस योजना से ले सकते हैं। नेक्स्ट सर, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जो स्टेट्स पहले आगे बढ़ जाएंगी वो इस फंड का ज्यादा हिस्सा ले पाएंगी, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जो स्टेट जितना तेजी से काम करेगा उतना तेजी से इस फंड का लाभ वो ले पाएगा, और जो स्टेट तेजी से काम करेंगे वो आगे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एग्रो प्रोसेसिंग में एग्री प्रोसेसिंग में है या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें एक बड़ा अट्रैक्शन स्टेट के लिए होगा, वो इन्वेस्टमेंट आएगा। जो हमारे जिले पिछड़े हैं उन पिछड़े जिलों में अगर हम इन्वेस्टमेंट अच्छे से प्लान कर लेते हैं तो जो हमारा गैप है डेवलपमेंट का उसको हम पूरा कर पाएंगे। और इस योजना का लाभ लेके जहां पे राज्य ने अपना पैसा लगाना था, अपने बजट से पैसा लगाना था, वो मुक्त हो जाएगा और वो इस योजना के थ्रू आप पैसा ले सकते हैं, राज्य का अपना पैसा दूसरे इनिशिएटिव्स पे जो राज्य की अन्य प्राथमिकता है उन पे लग सकता है। नेक्स्ट, जो हमारी आपसे निवेदन है, जो हम आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि आपको अपने स्टेट में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने की आवश्यकता है। अगर एक अच्छा PMU बन जाता है और उसमें एक अच्छे सीनियर अधिकारी उसके स्टेट नोडल ऑफिसर नियुक्त हो जाते हैं, तो उस PMU के माध्यम से आप अगर क्रिटिकल जो क्लस्टर्स हैं प्रदेश के, जैसे मध्य प्रदेश को मैं जानता हूँ, वहां पे हमारे प्याज के क्लस्टर हैं, संतरे के क्लस्टर हैं, अंगूर के क्लस्टर हैं, अन्य जो हमारे दुर्रम बीट होता है किसी इलाके उसके क्लस्टर हैं, हमारे मटर के क्लस्टर हैं, तो अलग अलग क्रॉप्स के हमारे क्लस्टर हैं। उन क्रॉप्स के क्लस्टर्स के ऊपर उन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करके वहां पे किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको मैप करके, और फिर हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की योजना अगर हम बना लेते हैं तो हम तेजी से उस पर काम कर सकते हैं। फिर जब हम क्लस्टर और हम क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ऑन द ग्राउंड नीड क्या है, कहाँ पे गैप है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। जब हमने वो आवश्यकता को देख लिया तो उसको किस संस्था के माध्यम से कराना है, अगर वहां पे अच्छी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके माध्यम से हम कराना चाहते हैं, या मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से कराना चाहते हैं, FPO के माध्यम से कराना चाहते हैं, या किसानों के ग्रुप के माध्यम से कराना चाहते हैं, या फिर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर प्राइवेट उद्यमी को लाके उसको कराना चाहते हैं, वो तय करके हम उनके प्रोजेक्ट्स फॉर्मुलेट कर लें, DPRs उनकी बन जाए और वो DPRs बैंकों को सबमिट हो जाए। ये अगर हमने सिस्टमैटिकली अगले 3 महीने में कर लिया तो इसमें कोई शंका नहीं है कि हम 31 मार्च से पहले हम बहुत बड़ा हिस्सा ना केवल उसको सैंक्शन कर देंगे बल्कि उसका जो शुरुआत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वो स्टेट में तुरंत हो जाएगी और वो काम जो है अगले 1-1.5 साल में पूरा करके पूरा इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं।
इसमें हमारी समय सीमा नहीं है, हम बहुत जल्दी अगर काम करेंगे तो हमें जल्दी पैसा मिल जाएगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पैसे की सीमा भी नहीं है। जैसा मैंने कहा, जो राज्य ज्यादा अच्छा काम करेंगे और अपना अच्छा पीएमयू का सेटअप बना के अपने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके डेवलप कर लेंगे, उनकी मदद हम यहाँ से भी करेंगे, तो वो तेजी से अपना काम कर सकते हैं। इसमें एक निवेदन हमारा ये कि हम यहाँ से कुछ फंडिंग अवेलेबल कराएंगे पीएमयू के लिए, बट वो हो सकता है कि जितनी अच्छी व्यवस्था पीएमयू की राज्य स्तर पे होनी चाहिए उतनी व्यवस्था हम ना कर पाए। इसमें राज्य का और कोई पैसा नहीं लग रहा है इस योजना में, तो हमारा निवेदन है कि जो पीएमयू के गठन के लिए और पीएमयू में जो नॉलेज पार्टनर लगने हैं, पीएमयू में जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उसके लिए जो मैन पावर लगनी है, वो राज्य अगर अपने स्रोत से लगा ले, जो पैसा हम देंगे वो भी उपयोग कर ले, उसके अलावा अगर ज्यादा खर्चा भी होता है सिर्फ वो खर्चा अगर राज्य कर दे और एक स्ट्रॉन्ग यूनिट जो इम्प्लीमेंटेशन को देख ले मौके पे, क्योंकि एक बार जब प्रोजेक्ट लगना शुरू होंगे तो उसके बाद भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट लगेगी। जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं जब प्रोजेक्ट लगना शुरू करते हैं, तो उनको दैनदिन की जो शिकायत होती है, समस्या होती है, उसका निराकरण करना पड़ता है। वो अगर जो लोकल पीएमयू है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारा यूनिट है उसके माध्यम से वो सॉर्ट आउट होगा तो तेजी से ये काम हो पाएगा। तो हमारा ये आप सबसे निवेदन है कि आपका जो पीएमयू है उसकी फंडिंग का अरेंजमेंट चाहे किसी एजेंसी के माध्यम से या जो आपकी वर्तमान में अच्छी संस्था उसके माध्यम से आप कर लें, जितना ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट पीएमयू को हम कर सकते हैं वो अपने स्तर पे हम यहाँ से करेंगे। ओवरऑल अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को इसी बात से समाप्त करना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल अगर राज्यों का इनिशिएटिव होगा तो हम सब मिलके इस पूरी सुविधा को बहुत तेजी से क्रियान्वित कर पाएंगे। हमने पहले महीने में ही बहुत तेजी से नाबार्ड की मदद से प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटीज के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, पर वो शुरुआत है। असल में जो बड़ा काम है वो राज्यों की मदद से ही हो पाएगा और राज्यों में ही ये काम है।